ये इन्होंने गाइस हमें धोखा दिया है। जूता जूता पैक कर लो। इस तारा की फ्लाइट है तो खाने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा कम खा। आई मिस यू गोवा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ओपन कैमरा बाई फौजिया। आज है हमारा लास्ट डे गोवा में और हम उठ चुके हैं। सुबह के बज रहे 8:30 और हम जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा वो है ब्रेकफास्ट एरिया, दैट इज़ अ रेस्टोरेंट, और ये हमारे पीछे पूरी बीच। तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज 7:30 to 9:45 तक ब्रेकफास्ट है। हम थोड़ा लेट उठे बिकॉज बहुत लेट सोए थे। बीच साइड है रेस्टोरेंट फॉर दी ब्रेकफास्ट, वो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। वे टू रेस्टोरेंट, आई गेस इट्स अ नाइस रेस्टोरेंट। हम पहले जा रहे हैं, सचिन लोग रात को आकर देख कर गए थे, बट कोकोनट ग्रूव इज द रेस्टोरेंट फॉर ब्रेकफास्ट टूडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन्होंने गाइस हमें धोखा दिया है, इन्होंने पहले से ही सारा ब्रेकफास्ट कर लिया और ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं। थोड़ा बहुत साफ दे सकते हैं। चलो मेरी ब्रेकफास्ट की फाइनल प्लेट, जिसमें मैंने लिए एक पूरी, ये पॉरेज, ये बीन्स और ये छोले, और मैंने बहुत सारा खा लिया है। तो गाइस इनका यहाँ पे भी फोटो सेशन शुरू हो चुका है। इधर से खींचता, अरे ये अच्छी आई है, ये बहुत अच्छी आई है। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हमने जो गाड़ी ली थी भैया से, तो ही इज देयर आउटसाइड। तो पहले हम अपनी गाड़ी होटल से ही वापस कर देंगे और होटल की एयरपोर्ट ड्रॉप लेंगे, क्योंकि भैया का टाइमिंग ओवर हो जाता। हमारी फ़्लाइट है 2:35 की और भैया का जो टाइम है गाड़ी देने का वो है 11 o'clock। तो इतनी जल्दी एयरपोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने भैया को बोला कि आप यहीं से आके गाड़ी ले लो बिकॉज इट इज़ वेरी नियर बाई टू एयरपोर्ट। तो भैया यहाँ से आके गाड़ी ले रहे और हम जाएँगे होटल की ड्रॉप से। तो ये हमारा मॉर्निंग व्यू है फॉर दी बीच। धूप है अभी, थोड़ी सी धूप है बीच साइड पे, तो बहुत गर्मी होगी, बट यहाँ पे ऐसे तो वेदर ठीक लग रहा है मुझे। पूल पे भी धूप है। तो हमारा ये फाइनल व्यू है बिकॉज अब हम अपना चेकआउट करने वाले हैं। तो ये है पूरा ओशन का व्यू गाइस, सुबह का। सुबह के बज रहे हैं 12 और लोग अभी भी बीच में हैं। थोड़ा सा गर्मी है यहाँ पे और बीच साइड और भी गर्मी लग जाती है बिकॉज उस साइड बहुत धूप है। तो ये पूरा हमारा व्यू है बीच का। बाकी हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है गाइस, तो वो भी मैं आपको दिखा। सो गाइस चीनी खत्म हो गई है। जूता जूता पैक कर लो। पूजा मार देगी तुमको। तो ये हमारी फाइनल पैकिंग चल रही है, जूते वूते की। और
रूम सर्विस पे कॉल कर दो। और हमने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर दिया है क्योंकि ये बैग हम लगेज बैग में लाए थे, बट अब हमारा लगेज बैग भर गया है क्योंकि हम सामान भी काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग का ले जा रहे हैं, तो ये हमने बाहर निकाल लिया है। बाकी ये तो हमारे बैग्स पैक डे एक तारीख का और एक मेरा, तो ये हमारा पैक डे। अब बस नीचे रूम सर्विस को हम बुलाएंगे और वो हमारा बैग वैग ले जाएगा। बाकी एक ये वाला बैग है जो मैं हैंड पे कैरी करूँगी। और ये है हमारा फाइनल गुड बाय टू दिस रूम। रूम का व्यू बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल रिजॉर्ट ठीक है बट एज पर दी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। सर्विसेज ऑल्सो एज पर दी सर्विसेज भी बहुत एक्सपेंसिव है, बट उसका जो व्यू है ना इसने सारा कुछ कवर अप कर लिया, अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। राइट, कुछ नहीं है बस यही अच्छा है, बस जो व्यू है और जो बीच है वही अच्छा है, बाकी होटल का रिव्यू तो अच्छा नहीं है। तो हमारा सामान रखा जा रहा है, बाय बाय गोवा। कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है ना अंदर से। ट्रिप हमारी खत्म हो चुकी है और हमने चेक आउट कर दिया है फ्रॉम द रिजॉर्ट बागमोलो बीच रिजॉर्ट। ये हमने होटल की ही कार कर ली है, तो अब बैठते हैं और पहुंचते हैं सीधा एयरपोर्ट। सो गाइस यहाँ पे दो एयरपोर्ट है, डाबुलम और एक नॉर्थ गोवा में भी खुला है, तो हमारा साउथ गोवा में ही है। धूप है बट यहाँ पे इतना क्लियर स्काई और इतना ग्रीनरी है ना, मजा आ जाता है। अब वापस गुड़गांव जाके वही सब कुछ। सो हमें एंट्री करनी है D1 से। ऑलरेडी CISF वहाँ पे हमारे लिए वेट कर रहे हैं, तो सामान उतार के बस हम वही जा रहे हैं। हमने चेक इन कर लिया है गाइस, अभी हम पूजा का वेट कर रहे हैं और उसके बाद जाएंगे अंदर, कुछ खाए पिएंगे। हमारी विस्तारा की फ्लाइट है तो खाने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा कम खाएंगे। इस तरह की बड़ी फ्लाइट होती है। सामने पॉलिटिकल प्लान करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, पहले पूरा शेड्यूल करेंगे, अंदर फाइनली पहुंच गए न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। हम जा रहे हैं घर और हमारा बैगेज इज इन बेल्ट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे वेदर वैसे अच्छा हो रहा है,
इट्स आई गेस 28 और 29, बारिश नहीं हो रही है। अच्छा बट इट्स 29 और 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 5:30 इन द इवनिंग। सो फाइनली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पीछे अपने बैगेज का वेट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी CISF इज देयर, उन्होंने अपने स्टाफ को भेज दिया है हु इज हेल्पिंग अस विद दी बैग एंड एवरीथिंग। तो G20 की वजह से माइट भी थोड़े कैब्स डिले होंगे, तो CISF ही हमें यू नो गवर्नमेंट कैब्स इन ऑल करा देगा ईजिली। तो सचिन और पूजा अपने घर चले जाएंगे विच इज़ इन दिल्ली, और मैं और तारिक अपने घर चले जाएंगे विच इज़ इन गुड़गांव। सो गोवा ट्रिप एंड्स हियर गाइज, आई मिस यू गोवा। ये वाला हमारा ये जा रहा है। तारिक ने यहाँ पे करा दी है कैब बुक, और मैंने ले लिए थियोब्रोमा से ब्राउनी। सो गाइस यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना गोवा व्लॉग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर गोवा व्लॉग, और सबके साइड से गो गोवा गो ऑन, बाय बाय। नाउ वी आर कमिंग विद अ न्यू व्लॉग विद अ क्रूज लाइन, आई एम श्योर यू पीपल आर वेटिंग फॉर दैट, एंड लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू गाइस, है ना? Surprises from Tariq Khan, from Sachin Mittal. I will explain about the Royal Caribbean, and Mr. Tariq will explain about the Carnival. Yeah. अब आप search करते रहो what is Royal Caribbean and what is Carnival. So thank you guys for watching. Open camera by Fauzia. Stay tuned. तो हमने की है ये वाली टैक्सी बुक, थोड़ी कॉस्टली पड़ी हमें, बट ठीक है यहीं से मिल जाती है, अदरवाइज बहुत वॉक करना पड़ता है। इसमें भैया ने हमारा सामान रखा दिया है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा घर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग।